बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ और आप देख रहे हैं हमें द सनराइज कश्मीर टीवी यूट्यूब चैनल और मोहम्मद शरीफ फेसबुक पेज पर। उर्दू जबान से मोहब्बत रखने वाले दोस्तों के लिए, बिलखसूस हमारे तलबा व तालबात के लिए ये वीडियो आज मैं पेश करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो पसंद फरमाएंगे, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी आरा से मुझे नवाजें। आज मैं आपके सामने हे की मुख्तलिफ जोड़ शक्लें पेश करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा मिलेगा इस वीडियो से। आप गौर से देखें, जो हे होता है उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो 1, 2, 3, 4 शक्लें मैंने यहां पर बोर्ड पर तहरीर की हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने पहले ही लिख कर रखा है। तो जो पहली शक्ल है इसकी, ये इस तरह की है, यानी एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह और इस तरह। तो इस शक्ल से, इस हे की आधी शक्ल से, हम हे से शुरू होने वाले अल्फाज वही हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हे मीम हम, हे रे हर, हे अलिफ हार रे हार, हे मीम अलिफ रे अलिफ हमारा, हरियाली, हे बढ़िया, हे हमेशा, हंसना, हमदम, हर रोज। इस तरह से जो पहले हे के अल्फाज जो हैं वो इस तरह के आ सकते हैं, और भी कई अल्फाज हैं। तो दूसरी शक्ल जो है हे की, वो इस तरह की है। मैं एक बार फिर आपके लिए लिखूंगा ये वाली शक्ल, आप देखिए, ये इस तरह की है। तो ये कहां लगती है ये शक्ल? ये किसी भी लफ्ज के बीच में यूज होती है, इस्तेमाल होती है। जब हम कोई लफ्ज बनाते हैं, हे इसके बीच में इस्तेमाल करना होता है, तो इस तरह की मशक होती है। शीन हे रे शहर, मोहर, कहानी, ये हे है। बे हे अलिफारे बहार, नहाना, पहनना। पे हे नून, नून अलिफ पहनना, पहचान। पे हे चीम अलिफ नून कहर, कौफ, हे रे नून, हे रे नहर, दाल व दो, पे हे रे पहर, दो पहर। इस तरह बहुत सारे, देखिए यहां पर मैं ये लिखूंगा शहर या मोहर, मीम हे रे मोहर, तहर, नहर। इस तरह के हे जो है ये बीच में इस्तेमाल होते हैं। आपने उर्दू असबाक में या उर्दू इबारत में इस तरह का हे देखा होगा, और आज मैं इसकी पहचान करा रहा हूं आपको कि किस तरह ये अलग हम करेंगे। देखिए इस तरह ये अलग है, मीम अलग करते हैं, रे को अलग करते हैं, बीच में ये हे रहता है, और यही है मैंने यहां पर आपको अलग करके दिखाया है। अब ये जो है ये लकीर, ये भी है, ये भी है कि आधी शक्ल है। देखिए एक बार फिर मैं दिखाऊंगा इस तरह। तो ये जो है ये किस तरह इस्तेमाल होता है, आइए देखते हैं। ये की आधी शक्ल हम यहां पर रखेंगे, या की आधी शक्ल, और पीछे से हे हम, यही वाली हे हम जोड़ेंगे, ये वाला है हम जोड़ेंगे, तो ये बनता है ये। इस डब्बे में मैंने ये और हे अलग अलग करके रखा है, और यहां पर मैंने जोड़ कर लिखा है, ये है ये, सीन अलिपसा, ये है या साया। तो इस तरह से ये पीछे वाले जो है इस तरह, ये है, यही मैं यहां दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पर दोनों है इस्तेमाल हुए हैं, बे है बीच वाला है, अलिफ नून लास्ट वाला है, बहाना, चुराना, ये है इस लकीर के पीछे, दाना, ये है शुक्रिया, ये है या मुहल्ला, लाम है ला, मुहल्ला, अलिफ मद आ, लाम है ला, यहां से पीछे हैं हे, दीवाना, देखिए ये वाले हैं हे सारे, अमेरिका, दीवाना, अमेरिका, काया, नहाना। तो इस सूरत में हम हे को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहचानने की जरूरत है और लिखने की भी मशक करनी है, तब जाकर हमें इस हे की पहचान हो जाएगी। ये जो है इस तरह के भी होता है। अब आखिरी मशक देखिए, हे की आखिरी सूरत जो होती है वो बराबर होती है, तो यहां पर ये पूरा लिखा जाता है। कहां पर ये पूरा लिखा जाता है? अल्फाज के आखिर पर।
देखिए बे नून दाल बराबर है बंदा, इसी तरह कीफ मीम रे अलिफ बराबर है कमरा, गुमराह, जनाजा, चूजा, वो, गंदा, गुना, हमरा, यगानगा, वाह वाह। इसी तरह से दरसगा, जनाजागा, जनाजागा, बंदरगा। इस तरीके से हमने यहां पर यह सीखा है कि पहला वाला है इस तरह आगे वाला, तो बीच वाला है और ये आखिर वाला है और ये लास्ट वाला आखिर वाला है, इसकी पूरी पहचान। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने हे की मुख्तलिफ जोड़ शक्लें देखी होंगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको जरूर फायदा मिला होगा और आपने समझा भी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, इसके साथ साथ दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचाइएगा जरूर। दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज़।